guys, welcome back to my channel. If you're seeing this face for the very first time, hi, my name is Ritisha and hope you guys are doing fantastic. So as you have read by the title, today's video is going to be a hill road haul video. The best part about this video is going to be that right from apparels to accessories, everything is going to be under rupees 250. Can you believe that? So this haul is not only going to be super fashionable, but it is also going to be super budget friendly at the same time. So yeah, if you want to know what all I've got under 250 rupees, keep on watching today's video. So guys, I'm going to start with apparels first, and I'm going to start from the cheapest item. So the first item is this sheer lace top, and look at it. It is so beautiful. I think वो ज़माना गया कि ऐसे सारे tops हम लोग सिर्फ night में पहनते थे like for night suits, but अभी you can literally style it for a day out as well. And I got this for 100 rupees. Sheer और lace का trend आ रहा है, so this was all in one for me. So hence मैंने उठा लिया था. And best part is कि ये adjustable है. Mostly 100 rupees when we pay ऐसे adjustable tops हम लोग को मिलते नहीं है. So when I saw this, it was a bonus for me. And now the second item that I have for you guys is a sheer shirt again. As I mentioned, ये fabric बहुत ज़्यादा trend में है. I got this for 100 rupees again. सच्ची में Hill Road ने ना पूरा उनका game up कर दिया. ये honestly मेरे लिए थोड़ा सा tight है, but just because I was getting this for 100 rupees, I was like I just take it because ये styling purpose के लिए काम आएगा मेरे को future में. So ये थे 200 rupees के tops. Now moving on to the third top. So the third top is the one that I am wearing. Now ये basic tank top है. I got nude and black tank top from Bonkers, and तभी मेरे को instant regret हो गया था कि मैंने white tank top क्यों नहीं लिया, because nude और black and white ये तीनों ऐसे कलर्स है ना टैंक टॉप में हर किसी के पास होने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू वेयर यू कैन जस्ट थ्रो ऑन अ डेनिम और पेयर इट विद जॉगर्स एंड एकदम ऐसा एफर्टलेसली शीक लगोगे आप. आई मेड 180 फॉर दिस. फोर्थ टॉप व्हिच आई गॉट इज दिस टी शर्ट राइट ओवर हियर. जस्ट लुक एट द डिटेलिंग. इसका पॉकेट एरिया में डिटेलिंग देखो, इसका हैंड्स पे डिटेलिंग देखो, इसका नेक एरिया में डिटेलिंग देखो, पीछे भी इट हैज अ पैच वर्क गोइंग ऑन. आई वाज लाइक ब्रो, इट इज सो कूल. एंड आई गॉट दिस फॉर 190 ओनली. एज यू कैन सी, मैंने इसको पूरा रगड़ रगड़ के मतलब मसल लिया है. द नेक्स्ट टॉप व्हिच आई गॉट इज दिस टी शर्ट ओवर हियर. नाउ आई गॉट दिस मेनली बिकॉज ऑफ इसका प्रिंट, एंड इसका फैब्रिक इज ऑब्वियसली वेरी soft. Now this print literally screams summer to me, and मैंने ये 200 में लिया. So if you are looking for ऐसा daily wear tops या जो घर पे पहनने के लिए tops है, you can just visit Hill Road, and उधर आपको like 150-200 में ऐसे अच्छे अच्छे cotton fabrics के options मिल जाएंगे. So the last top that we have in this haul is this one. I paid 250 for this. One tip that I would like to give over here is that कि आप कोई भी market में shopping के लिए जा रहे हो, वो सुबह सुबह जब शॉपकीपर्स का बोनी का टाइम होना तभी जाना चाहिए, बिकॉज वो बोनी के टाइम पे ना आपको जो आप प्राइस बोलोगे वो दे देंगे, बिकॉज उनको बोनी करनी होती है. सो मैं तभी गई थी सुबह सुबह हिल रोड में. तो दिस वाज प्राइस फॉर 350 रुपीज, एंड आई गॉट इट फॉर 250 रुपीज. मैंने भी ज्यादा कम नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली 200 का ये जो फैब्रिक है और ये 250 का जो फैब्रिक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ये जो हाफ एंड हाफ का स्टिचिंग है मुझे बहुत यूनिक लगा, मैंने ऐसा हिल रोड मार्केट में कभी देखा नहीं था. सो हैंस आई वाज लाइक ले ही लेते हैं, बड़ा सा स्टेटमेंट पीस लग रहा है. दोज वर ऑल दी टॉप्स व्हिच आई गॉट फ्रॉम हिल रोड. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द बॉटम सेक्शन. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट बॉटम वेयर्स, आई हैव बॉट 3 डेनिम पैंट्स. एज यू कैन सी, एक उसमें से शॉर्ट्स है. आई नो इट कैन कम एज अ शॉकर टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज यू नो मैं बॉटम्स के साथ कभी चांस नहीं लेती हूँ, एंड ऐसे मार्केट्स में तो आई डोंट शॉप ऐसा डेनिम स्पेसिफिकली, बिकॉज डेनिम इज अ फैब्रिक दैट नीड्स टू सिट ऑन माई body very nicely, needs to hug my curves on the right places. But when I visited Hill Road, I was looking for a specific kind of bottom. जब मुझे मेरे liking के bottoms देखे, I was like I'll place my bets and I'll take it. So the first bottom which I have for you guys are these denim shorts, and I wanted a new pair of denim shorts for the longest period of time. And as you can see, इस पे Zara का tag लगा हुआ है. अब ये Zara और H&M के tag वाले items आपको बहुत ज़्यादा Hill Road में मिल जाएंगे, because जो जैसा थोड़ा थोड़ा डिफेक्टेड पीसेस होता है वो हिल रोड मार्केट में आ ही जाता है. सो आई पे 250 फॉर दिस शॉर्ट. सो अगेन मैं बोनी के टाइम पे गई थी, इसलिए आई गॉट दिस फॉर 250. नहीं तो शॉपकीपर हैड कोटेड मी 400. ऐसा ट्रिक्स वगैरह, ऐसा गले को ऐसा बांधने का वगैरह, मैंने वो सब जुगाड़ करके आई लाइक चलो आई टेक दिस, एंड इट रियली फिट्स. बेस्ट फिटिंग नहीं है मैं बोलूंगी, बट जितना भी है हाई वेस्ट है, सही है. सो द सेकंड एंड थर्ड बॉटम्स आर जीन्स यू गाइस. लेट मी शो यू माय फेवरेट बॉटम तीनों में से. दिस high waist denims, and this is how it looks like. Now I was specifically looking for a wide leg denim jo knees ke wahan uska aisa cut out detailing ho, and wide leg ke wahan uska aisa detailing ho, and wo ye shade ka ho.
सो ये तीनों बॉक्सेस मेरे टिक कर रहा था, तो आई वाज लाइक आई एम गोना टेक इट वापस. मैंने ऐसा वो नेक का वगैरह जैसा जुगाड़ होता है वो किया एंड इट वाज लाइक चलो ठीक है, फिट तो हो जाएगा अच्छे से. एंड इसका फिटिंग इज अ 10/10 यू गाइस, फिट्स लाइक ब्यूटी. सो मैंने ये डेनिम मेरे फैशन कॉलेज में पहना था एंड एवरीवन आस्क्ड मी कि ब्रो ये कहाँ से है, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली फ्लैटरिंग माई बॉडी इन द बेस्ट वे इज पॉसिबल. सो एज यू कैन सी इधर ना पुल एंड बेयर का टैग लगा हुआ है. सो द थर्ड पैंट विच आई हैव फॉर यू गाइज इज दिस वाइट जीन्स ओवर हियर. अगेन दिस इज अ वाइड लेग एंड इवन इफ स्किनी जीन्स आर गोइंग टू बी बैक इन फैशन, आई होप नॉट. वाइड लेग इज हियर टू स्टे. नाउ दिस डज नॉट फिट दैट नाइसली, मतलब बेल्ट लगा के अच्छा फिटिंग हो जाता है बट इन इट इट सेल्फ इट डज नॉट फिट दैट नाइसली. तो 8/10 है इसका फिटिंग बट आई डिड नॉट एक्सचेंज दिस बिकॉज आई वाज लाइक कि चलो ठीक है बेल्ट के साथ तो अच्छा फिटिंग हो ही रहा है. एंड ऑल्सो मैंने थोड़ा सा इधर चीटिंग किया है, आई गॉट बोथ ऑफ देम फॉर 1200 rupees, सो 600 ईच. बट आई थॉट आई जस्ट शेयर दिस विथ यू गाइज बिकॉज ये दोनों के लिए मैं अलग से हॉल थोड़ी बनाऊंगी अभी. आई गॉट दिस दोनों बॉटम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक शॉप, तो मैं ना शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगी पूरा एड्रेस वगैरह के साथ एंड आई लिंक दैट शॉर्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो मेक श्योर यू आर अपडेटेड विद ऑल माई शॉर्ट्स बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव ऑन शॉर्ट्स यू गाइज. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सेसरीज पार्ट. द फर्स्ट एक्सेसरी दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज दिस स्कार्फ एंड ओ माई गॉड God. As soon as I saw this, it was love at first sight, you guys. मतलब इसका ऊपर ऐसा मस्त सा एनिमल प्रिंट है. दिस इज अ ब्यूटिफुल सैटिन स्कार्फ एंड आई मेनली गॉट दिस बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर इट एज अ हेड गियर. आई जस्ट रिसेंटली विजिटेड थाईलैंड फॉर माई बर्थडे ट्रिप एंड उधर जाके मुझे ये पहनना था. इसका मटीरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इसका प्रिंट इतना ज्यादा फैशनेबल है दैट I just can't wait to style this. Thailand में मुझे chance नहीं मिला इसको पहनने का because I already had styled a lot of items. So I was like ये मैं किसी और trip के लिए रख दूंगी. This is definitely one of my favorite items from today's vlog. Now I'm just going to run you through all the earrings which I got, starting with the super basics hoops. So these are animal printed hoops which I got for 50 bucks. As you can already make out, I love animal prints and ये इतना basic और मस्त लग रहा था कि मैंने ले लिया. The next pair of earrings which I have are these multicolored earrings and this is how they look. I love everything about this. You guys look at the detailing. These are so summer appropriate. It's just that इसको ना मेरे को double stopper लगाना पड़ता है because ये ऐसा stay नहीं करता. I paid 80 rupees for this. Then moving to the next earring which I got are these chunky star wale earrings. I got it for 100 bucks you guys and obviously it's a very statement piece. I wore this on my थाईलैंड ट्रिप जो मेरा पर्पस था, मैंने उसके लिए उसको स्टाइल कर लिया अच्छे से. इफ यू हैव नॉट बीन फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम, मैंने सारा थाईलैंड का कॉन्टेंट उधर डाल के रखा है. सो यू विल सी ऑल माई लुक्स एंड एवरीथिंग. देन द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स आर ऑल्सो द इयररिंग्स विच आई गॉट स्पेसिफिकली फॉर माई थाईलैंड ट्रिप एंड अगेन मैंने उसको स्टाइल किया. दिस इज हाउ दे लुक लाइक. ये डेफिनेटली एक जेंजी वालों का स्टाइल है. इट्स वेरी समर अप्रोप्रिएट एंड आई गॉट दिस फॉर 150 rupees. इतने सारे इयररिंग्स लूंगी और मैं मेरे देसी चंकी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं लूंगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है. सो आई गॉट दिस पेयर फॉर 100 rupees. अभी ये जो स्टाइल के इयररिंग्स है देवर ऑल ओवर इंस्टाग्राम एक जमाने पर एंड बड़े ऐसे प्यारे लगते हैं, एकदम ऐसा स्टेटमेंट पीस है. अगर आपके पास एक बेसिक इंडियन वेयर कुर्ती हो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू एम्प इट अप, इसमें से ना एक ये स्टड निकला हुआ है वो मैंने बाद में जाके रियलाइज किया. दोज आर ऑल द इयररिंग्स विच आई गॉट. नाउ मूविंग टू नेकलेस. नाउ मैंने ये एक ही नेक पीस उठाया, ये भी मैंने थाईलैंड के ट्रिप के लिए उठाया था स्पेसिफिकली एंड अगेन दिस इज सच अ जेंजी फैशन वाला आइटम. सो आई बेसिकली यूज्ड इट एज अ हैंड स्टैग जो अगेन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है बट ऑब्वियसली एज अ नेकलेस ऑल्सो इट लुक्स सुपर प्रिटी. यू कैन जस्ट स्टैक अ लॉट ऑफ नेकलेसेस एंड मेक अ स्टेटमेंट ऑन अ बेसिक टैंक टॉप एंड पेड 100 rupees फॉर दिस वन. सेकेंड लास्ट एक्सेसरी दैट आई हैव फॉर यू गाइज आर दीज हैंड स्टैग्स विच आर सुपर ट्रेंडी एंड यू विल फाइंड दिस एवरीवेयर ऑन हिल रोड. इसमें आपको पेस्टल कलर के भी ऑप्शन मिल जाएंगे एंड एज यू कैन सी कितना ज्यादा ऑसम लगता है. मेरा सबसे फेवरेट यही है ब्लैक एंड व्हाइट वाला बिकॉज इट ग्रैब्स योर अटेंशन वेरी अनलोइंगली एंड ऐसा मस्त बेसिक स्टेटमेंट पीस हो जाता है ये. आई बेसिकली पेड 100 फॉर 6 stacks बट मेरा एक स्टैक किधर गया मुझे मिल नहीं रहा है एंड आई वुड डेफिनेटली बी एडिंग मोर सच पीसेस. मेरे बर्थडे ट्रिप में मैंने पूरा समर एक्सेसरीज का शॉपिंग कर लिया है सो स्टाइलिंग वीडियोज में ये सारे एक्सेसरी बहुत काम आने वाले हैं. सो द लास्ट पेयर ऑफ एक्सेसरीज दैट आई हैव फॉर यू गाइज आर दीज फ्लैट्स. ओ माई गॉड, जैसे मैंने इसको देख लिया आई वॉज लाइक अगेन मेरे को ये थाईलैंड के ट्रिप के लिए चाहिए बिकॉज दे आर सो बीच अप्रोप्रिएट. आई मीन इसके ऊपर ही बीच लिखा है
And look at it, itna zyada multicolored hai. I got it for 200 rupees, you guys. मतलब उसने ऐसा प्राइस कोट किया कि मुझे बार्गेन करने का भी मन नहीं किया. ऑल्सो दे आर सुपर अनकंफर्टेबल. मोस्टली मैंने इसको हाथ में पकड़ा था बट फोटोज में एकदम मस्त दिख रहा है. सो दैट वाज द लास्ट आइटम इन टुडेज हॉल. दैट ब्रिंग्स मी सम्स अप माय टुडेज वीडियो. लेट मी नो व्हिच वाज योर फेवरेट आइटम इन द लॉट. मैंने तो मेरा फेवरेट आपको क्लियरली बता ही दिया है. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ दीज पीसेस लुक ऑन मी एंड हाउ आई स्टाइल देम पर्सनली, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्टिव ओवर देयर. एंड ऑल्सो इफ आई नॉट ऑन इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स का सेक्शन आप चेक करते रहो, मैं उधर बहुत ज्यादा वीडियोस डालती रहती हूँ. सो या इफ लाइक दिस वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन YouTube. दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. एंड टेक केयर, बाय बाय.